से जुड़े हर मिलिशिया को खत्म करने का जो है वो दम लेंगे तभी। और हिजबुल्ला के साथ साथ इजराइल ने अब यमन के हूती विद्रोहियों को निपटाने का एक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। ऐसा नेतन्याहू ने क्यों किया, उसके लिए आपको तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक वाले ऑपरेशन को समझना पड़ेगा। देखिए, शांत समंदर की तरफ से बढ़ता हुआ एक ड्रोन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पहुंचता है और कुछ सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। ये हमला तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हुआ। धमाका बहुत बड़ा था, किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई। धमाका बहुत बड़ा था, आवाज बहुत ज्यादा हुई। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया, कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया। इस हमले के बाद नेतन्याहू का कमांड सेंटर आधी रात को ही एक्टिव हो गया। नेतन्याहू का कमांड सेंटर पता लगाने में जुट गया कि आखिर हमला किसने किया है, नेतन्याहू के नाक के नीचे उस इलाके में किसने सेंध लगा दी जहां इजराइल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल तक पहुंचा है। במהלך הלילה חדר כלי טיס בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ושמונה אזרחים נפצעו באורח קל. पहला सवाल है कि इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि ड्रोन हमले के पीछे यमन के हूथी विद्रोही हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिर यमन के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि यमन को हथियार वाली मदद ईरान पहुंचाता है। तीसरा सवाल ये कि क्या अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है, क्या लेबनान बॉर्डर के बाद अब यमन इजराइल और ईरान के बीच नया वॉर जोन बन चुका है। نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. जिस जगह हमला हुआ वो तेल अवीव का जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का नाम भी जाफा है। जाफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद-3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए, कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב
צימת שלוש הוא אמצעי לחימה איראני. अब इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के जाफा ड्रोन ने इसराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। इसराइल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इसराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं और ऐसा यमन ने करना भी शुरू कर दिया है। ये इसराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ एक्टिव हुआ तीसरा फ्रंट पूरी तरह खुल जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3 जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म कर सकता है। यही इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सबसे बड़ी वाली गारंटी है। लेकिन 19 जुलाई की रात 3 बजे जो अटैक हुआ उस ड्रोन को रोकने में ये चारों एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। अब इसराइल को इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी तैयारी और पुख्ता करनी पड़ेगी। इसराइल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं और यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐसे और हमले जारी रखने का वादा किया है। ये हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला से भी ताकतवर कहे जाएंगे क्योंकि यहां खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से भी है। हालात ऐसे हैं कि तेल अबीब का सायरन अब संयुक्त राष्ट्र में बज रहा है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है इसके लिए आप यूएन से आया नया अलर्ट देखिए। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजेशकियान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्ला और हूथी को ईरान की मदद जारी रहेगी। मसूद पेजेशकियान ने साफ कह दिया है कि रूस को भी ईरान का समर्थन जारी रहेगा। नेतन्याहू को डराने के साथ साथ ये बात ज़ेलेंस्की के जख्मों पर नमक बनकर फैल गई है। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इसराइल को किसी भी तरह की कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्ला है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।